टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है। और हम देख रहे हैं जैसे कि आप फिजिकल थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, पैर फ्रैक्चर है, फिर भी हम सुजल पराठा खाने आए हैं। क्या ना दिन सजना के, क्या बात है, माने ना ए पगला है, समझाने से समझे ना। हम आज कौन सा पराठा खिलाने वाले हो आप? आज मैं आपको खिलाऊंगी स्पेशल महाराजा पराठा। महाराजा पराठा? हाँ जी, बनाइए। ठीक है, तो उसके अंदर पहले आ गया एक केबिज, गाजर, फंसी और बीट, ओनियन, शिमला और खास करके जो मसाले अपने पंजाब से आते हैं, मेरी फ्रेंड की मम्मी बनाती है घर पे ही, नमक तो यहाँ का ही है, तो ये नमक आ गया, ये लाल मिर्च आ गई, ये धनिया पाउडर आ गया, ये हल्दी आ गई, ये पराठे का मसाला आ गया और इसके अंदर आएगा लहसुन का पेस्ट और जो हल्का सा जो स्पाइसी मसाला बोलते हैं ना वो, अभी इसके अंदर आएगा पनीर, पनीर आ गया, अभी हल्का इसके ऊपर आएगा चीज। कैसे सोचा आपने कि महाराजा पराठा ही लॉन्च करना है? क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है इसके पीछे की? कहानी क्या, जब राजा रानी आ गए तो महाराजा तो आना ही चाहिए ना। क्या बात है, इसके लिए मैंने सोच के ही, मैंने अपने खुद के दिमाग लगा के ही मैंने चालू कर दिया। अच्छा, खुद का कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये खुद का ही है। अभी तो बहुत सारे कॉपी करने लगे हैं राजा रानी और महाराजा का। अच्छा, लेकिन जो रियल राजा रानी और महाराजा इधर ही मिलेगा। हाँ, और अब क्या किया जाएगा? अभी हम ये जो आटा है ना, प्योर गौ का आटा है, इन दिनों मैदा यूज नहीं करते हम। यहाँ पे लगने जा रहा है भाई साईं सूजल का फेमस महाराजा पराठा। आपने राजा रानी पराठा तो खाया होगा, लेकिन यहाँ पर बनने जा रहा है हमारा महाराजा पराठा। जी मैम, सही कह रहा हूँ? हाँ जी, सही कह रहे हो आप। तो हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे, हल्का सा बटर नहीं डालेंगे, क्योंकि राजा रानी तो बटर में करते ही है, तो महाराजा ऑयल में करते है। हाँ, अगर कस्टमर बोलेंगे, उसकी डिमांड होगी हमको बटर में चाहिए, तो बटर में कर देंगे, लेकिन हाल ही का मैं ऑयल में ही करती हूँ। अभी आप देख सकते हो पूरा ब्राउन कलर हो गया है। Okay. अभी हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ठीक है, क्या बात है, ये कौन सा स्टाइल है मैम? ओ, पराठा थोड़ा उल्टा आ गया था, तो मैंने इसको सीधा कर दिया, हवा में उछाल दिया आपने, तो क्या बात है। ये टैलेंट कहाँ से सीखा आपने? ओ, अभी सूझ गया, अभी कर दिया। अच्छा, अभी समझ में आ गया। तो आपने काफी सारे सेलिब्रिटी को पराठे खिलाए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी को। क्या विचार है आपका, आगे भी चलता रहेगा सिलसिला ऐसे ही मतलब, या फिर कुछ अपना करना, आगे कहाँ तक सोचा आपकी? मुझे तो बहुत आगे जाना है, बस अभी आए सबकी दुआ है कि मैं थोड़ा आगे और बढ़ूं। Okay. मुझे जी टीवी में बुलाया था, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को खिलाया है, जैसे कि शंकर महादेव ने अपना रेडी हो चुका है स्पेशल, और यहाँ पर सूरत का सबसे स्पेशल सूजल आंटी का महाराजा पराठा है, हो चुका है तैयार और तैयार। चीज की बारिश हो रही है यहाँ पर, रेडी हो चुका है स्पेशल मेरा ना दिन सजना के, क्या बात है, माने ना ए पगला है, समझाने से समझे ना, क्या बात है। गाना यहाँ पर सुनने को मिलेगा और साथ साथ में यहाँ पर पराठों की दीवानगी भी काफी ज्यादा है भाई सूरत के अंदर में। टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए उसको खाने के लिए? महाराष्ट्र जलगांव। स्पेशल? Yes. और हम देख रहे हैं जैसे कि आप फिजिकल थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, पैर फ्रैक्चर है, फिर भी हम सुजल पराठा खाने आए हैं। क्या बात है, मतलब इतनी दीवानगी सुजल पराठे की? Yes. यहाँ पे सूरत में डुमस रोड बिग बाजार के पास लेंस आर्मी स्कूल के एग्जैक्ट सामने साई सुजल पराठा। बाय।